विश्व दे रहमान रहीम अस्ट्रॉड को ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजी का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट हाई साइड की तरफ मूव करेगी और जो डिप होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी और मार्केट एक न्यू हाई की तरफ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट न्यू हाई की तरफ गई और हमने देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। मार्केट एक टाइम में 46,000 और 398 का मार्केट ने हाई बनाया। इसके बाद मार्केट में देखा जाए तो किसी किस्म की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं हुई और मार्केट 199 पॉइंट के साथ 46,287 के करीब क्लोज रही। मार्केट ने बेहतरीन मूव दिखाई और मार्केट इंडेक्स बेहतरीन जगह पर क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम फिपिलिपी डेटा की बात करें तो फिपिलिपी डेटा में देखा जाए तो आज फॉरेनर्स, बैंक्स, ब्रोकर्स एंड इंश्योरेंस ये सेलिंग साइड पर थे, जबकि इनके अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टोटल बाइंग साइड पर थे। ओवरऑल देखा जाए तो मुसलसल कंपनीज, म्यूचुअल फंड आपकी बाइंग साइड पर हैं जो कि पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज MNCOn ने 106.45 का हाई लिया, 104.10 के करीब क्लोज हुआ, 2.60 रुपये पॉजिटिव अप हुआ। TRG में देखा जाए तो 3.46 रुपये का इजाफा हुआ, 120.75 का हाई लिया और 118.39 रुपये के करीब क्लोज रहा। नेट सोर की अगर हम बात करें तो नेट सोर ऊपर के लॉक पे क्लोज हुआ, 219.14 रुपये के करीब 15.28 रुपये का इजाफा हुआ। जबकि अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर आपका पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा। इसके अलावा DG खान 1.37 रुपये का इजाफा हुआ, वेपेलिप में 83 पैसे का इजाफा, जबकि 6.39 रुपये चिराट सीमेंट में इजाफा हुआ, लक्की में 7 रुपये का इजाफा हुआ और दीगर सीमेंट भी पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। हमने अपने कल की वीडियो में भी बताया था और इससे पहले की वीडियो में बताया था कि सीमेंट हाईली पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखे और इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक अच्छी रैली बनते हुए देखी सीमेंट सेक्टर में। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिटिंग देखी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अप ना होने की वजह से इनके अंदर स्लाइटली प्रॉफिटिंग नजर आई। इसके अलावा ग्लास एंड सेरामिक्स में भी प्रॉफिटिंग साइड पर रहा, जबकि ऑटो सेक्टर के बारे में हमने इस पर आपको बताया था अपनी वीडियो में, स्पेशली कि ये हाई साइड की तरफ परफॉर्म करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। आज हमने अपने स्पेशल ग्रुप में GHNL, GHNI, होंडा कार, साजू, इनकी हमने इनके चलने से पहले इनकी कॉल दी कि ये ऊपर जाने वाले हैं, इनको आप बाय कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्पेशल ग्रुप में जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेडिंग की इसके ऊपर और एक अच्छा गेन किया। आज PSMC में 1.57 रुपये का इजाफा हुआ, साजू में अगर देखा जाए तो 47 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग, जबकि GHNL में 5.27 रुपये का इजाफा और GHNI में 9.38 रुपये की पॉजिटिविटी देखी, जबकि होंडा कार में 6.93 रुपये का इजाफा और गेल को देखा जाए तो गेल 8 पैसे का स्लाइटली इजाफा हुआ। इसके अलावा पावर सेक्टर में स्लाइटली पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा, जबकि फूड सेक्टर में आज स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। आज फौजी फूड ने एक टाइम में हाई लिया फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ डिपर क्लोज हुआ। इसके अलावा यूनिटी में भी स्लाइटली यानी अपसाइड देखी। इसके अलावा पेपर एंड बोर्ड सेक्टर आपका स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर रहा, जबकि केमिकल सेक्टर भी स्लाइटली पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में भी देखा जाए तो स्लाइटली पॉजिटिव था और पॉजिटिव परफॉर्म करता हुआ नजर आया, जबकि रिफाइनरी सेक्टर जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि टोटल एक्यूमुलेशन साइड पर है और इसके अंदर एक अच्छी रैली बनेगी। आज नेशनल रिफाइनरी का बेहतरीन रिजल्ट आया, जिसके बाद नेशनल रिफाइनरी ने 370 से ऊपर की अपर का हाई बना और फिर रिफाइनरी दीगर जो रिफाइनरी थी उनमें उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी नजर आई। इसके अलावा स्टील सेक्टर में जो है वो स्टील सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसके अलावा अगर हम ऑयल स्टॉक की बात करें तो मारी गैस में आज 7.95 रुपये की प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, जबकि PSO में 5.31 रुपये का इजाफा हुआ। शेल में देखा जाए तो शेल भी पॉजिटिव परफॉर्म करता है। इसके अलावा पाकिस्तान ऑयल फील्ड में 5.70 रुपये का इजाफा हुआ, OGDC में 27 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग, जबकि PPM में 94 पैसे का इजाफा और हेस्कोल में आज देखा जाए तो 65 पैसे की अपसाइड देखी। ओवरऑल देखा जाए तो ऑयल स्टॉक्स भी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर है। इसके अलावा अदर स्टॉक्स की बात करें तो अदर स्टॉक्स में पार्क इलेक्ट्रॉन, जनरल टायर, एक्साइड, एटलस बैटरी इसके अलावा बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। टोबेको में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर्स भी स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे वर्ल्ड की मार्केट के हवाले से।
वर्ल्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो आज डाउ जोन्स में 65 पॉइंट का इजाफा है, 31,024 के करीब ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा नैसडेक में 42 पॉइंट की पॉजिटिविटी। इसके अलावा S&P की अगर हम बात करें तो 6 पॉइंट का इजाफा। निकी में आज 276 पॉइंट की प्रॉफिटिंग देखी, जबकि शंघाई में 50 देखा जाए तो 54 पॉइंट की प्रॉफिटिंग नजर आई। इसके अलावा अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अनचेंज रहा, यानी कि 48,347 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल 51.82 का लो बना और 52.60 का हाई बना, 52.56 के पास देखा जाए तो 20 पैसे पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कल की मार्केट के हवाले से। जैसे कि मार्केट की जो क्लोजिंग है, हमने आपको बताया था कि 46,300 के लिए मार्केट क्लियर है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने एक टाइम में उस लेवल को क्रॉस भी किया और 46,287 के करीब क्लोज रही। मार्केट क्लोजिंग बहुत अच्छी है और यहां से मार्केट आपकी जो है 46,400 फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया है। जैसे ये ब्रेक होगा देन मार्केट 46,700 से लेके 47,000 तक थर्ड रेजिस्टेंट एरिया बनेगा, यानी 46,700 सेकेंड रेजिस्टेंट एरिया है और 47,000 आपका थर्ड रेजिस्टेंट एरिया। इसी तरीके से सपोर्ट एरिया की अगर हम बात करें तो 46,100 आपका फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, सेकेंड सपोर्ट एरिया 45,800 और थर्ड सपोर्ट एरिया 45,500 का है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि वर्ल्ड की मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिटिंग साइड पर है, लेकिन हमारी मार्केट ने हाई नहीं लिया था इसलिए हम पॉजिटिव थे कि मार्केट हाई साइड की तरफ मूव करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट दो दिन से हाई साइड की तरफ मूव कर रही है और बेहतर मूव करते हुए नजर आ रही है। ओवरऑल मार्केट का अब भी व्यू पॉजिटिव है और मार्केट आपकी टोटल हाई साइड की तरफ जा सकती है, किसी किस्म की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। अब भी कोई आपको डिप मिलती है तो अपॉर्चुनिटी होगी हाई साइड के लिए। मार्केट देखा जाए तो ये पॉसिबल है कि कल वेनिसडे है, वेनिसडे के हिसाब से मार्केट आपका हाई साइड पर परफॉर्म करे और एक शॉर्ट प्रॉफिटिंग का एक मौका दे, तो आपने जो है वो हाई साइड पर प्रॉफिटिंग करनी है, फिर डिप पर आपने अच्छे स्टॉक चूज करने हैं। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, किसी किस्म की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। इसके अलावा अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में देखा जाए तो अभी भी आपका जो है रिफाइनरी सेक्टर पॉजिटिव है और हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम फूड सेक्टर की बात करें तो फूड में स्लाइडली प्रॉफिटिंग थी, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल में एक्यूमुलेशन है, लॉन्ग व्यू के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो लॉन्ग व्यू के हिसाब से पॉजिटिव है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर आपका हाईली पॉजिटिव है और हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है, जबकि स्टील सेक्टर की बात करें तो स्टील सेक्टर में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। इसके अलावा छोटे आइटम्स भी हैं जिनके अंदर पार्क इलेक्ट्रॉन, रोशन पैकेजेस, सितारा प्रोक्साइड, जनरल टायर, FNEL, इसके अलावा छोटे स्टॉक्स में ट्रीट कॉरपोरेशन, लूड्स और एवेंसियन बेहतर है और हाई साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके अलावा एवेंसियन, TRG, नेट्रोल देखा जाए तो हाई साइड की तरफ मूव कर रहे हैं और मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इनमें काम करते हैं तो स्टॉपर लगाना ना भूलें, क्योंकि इनमें अगर करेक्शन स्टार्ट होगी तो स्टॉपर होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट स्टॉपर काम करना बहुत रिस्की है। इसके अलावा आपका सीमेंट सेक्टर अब भी गुंजाइश मौजूद है और एक अच्छी जगह हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है। तो ओवरऑल मार्केट सेट है, मार्केट में किसी किस्म की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, ना स्टॉक के लिहाज से ना इंडेक्स के लिहाज से। इंडेक्स आपका हाई साइड की तरफ मूव करता है, स्टॉक आपका हाई साइड की तरफ मूव करते हैं, तो प्रॉफिटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि प्रॉफिटिंग करना एक अच्छी आदत है और अच्छी आदत को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल ग्रुप की जो है बेहतरीन सर्विस यानी शेयर की जा रही है। नेट सोल हमने 183 से दिलवाना शुरू किया और आज 214 से अबव गया। ओवरऑल देखा जाए तो मुसलसल बेहतरीन कॉलेज शेयर हो रही है हमारे स्पेशल ग्रुप में और काफ़ी सारे ऑनलाइन अकाउंट हमारी तरफ आ चुके हैं और हमारी तरफ अकाउंट ओपन कर चुके हैं, हमारे इस स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं और इस स्पेशल ग्रुप की जो स्पेशल रिसर्च है उससे बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हैं हमारी तरफ मुनीर खानानी की तरफ, तो ये याद रखें कि आप वहां पर मेरा रेफरेंस देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है, साथ में ये रेफरेंस जरूर देना है कि हमने अकाउंट कामरान मेमन बावानी के पास ओपन करना है। आप ये बताएंगे तब आप मेरे ग्रुप में शामिल हो सकेंगे। तो जो कोई भी अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहे या मुझसे जुड़ना चाहे वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और मेरी इस स्पेशल सर्विस से फायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन भवानी, अल्लाह हाफिज़।